टॉप टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। अब सोचा है कि फिर घूम करके हम इस तरह भागे, तब तक इस तरह से उसका जो है कि हम खुद जाकर देखे हैं, उसका पिकअप का मुंह पश्चिम था और पीछे इधर था, पूरब हो गया था। इसी तरह से हमारे बच्चे हमको डांट करके छेद दिए हैं। ठीक अच्छा सर, मैं यही चाहता हूँ कि यह 24 घंटा का पुलिस का पहरा है, 6 से 9 तक कौन पुलिस का था और उस गड़िया पे क्या लदा था, कुछ पता चला है? सर नहीं देखे है। अच्छा ये नहीं, नहीं लहसुन लोग कह रहे थे। अच्छा लोग लहसुन कह रहे, हम देखे नहीं सर, गलत नहीं बोलेंगे। पैसा गलत बोलने की जरूरत, आप बाप की उम्र के हैं। सर का सर, इसके पहले एक घटना लॉकडाउन लास्ट वाला जी, कागज हमारे पास है सर, लॉकडाउन एक दिन बाकी था, वो क्या थे निर्भय सिंह दरोगा जी, जी उस समय पूरा पिकअप हिला दिया था हमारे घर में, कागज हमारे पास है जी, जी। वो कागज दवा हुआ करा करके थाने से सब मिलजुल करके रफा दफा सरकार कर दिए सर। इस उम्र में बताइए हम क्या करें, यहाँ से नेपाल चले जाए कहीं भीख मांगे। ये बच्चा भी देखा, पूछिए, सब लोग देखे हैं। ये अनिल का दुकान हुआ है, अनिल गौड़ का। अच्छा उसमें क्या था गाड़ी में, कुछ आप अंदाजा लग पाया है? ऐसा है भैया, गाड़ी तो सीधे इधर गई है जी, तो लोग गए हैं तो उसमें कुछ लोड था, लहसुन लोग कर रहे थे, लहसुन लोग कर, हम तो नहीं गए लेकिन लहसुन शायद लोड था, गाड़ी वहाँ फंस गई है, फिर वो नखड़ा उखड़ा करके सो गया है, तो फिर बाद में पुलिस आई है, शायद उसको लेके गई है। देखिए सर, ये बड़े साहब का यह है, बड़े साहब को टाइट करिए, जितना उनका प्रशासन आता है साथ तीन पर सारा मोबाइल चला रहे हैं, सारा मोबाइल सरकार हाथ जोड़ रहा है, जोगी जी का नमस्कार कर रहा हूँ, हे जोगी जी नमस्कार नमस्कार बार बार नमस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं, चाचा ने ये सारी प्रकरण को बताया, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने लगाया कि हर चौराहों पे पुलिस का पिकेट बने, वहाँ पे पुलिस बैठे उनके जान माल की रक्षा कर सके, लेकिन निचलौल थाने की पुलिस पूर्णतः लापरवाही का प्रमाण देते हुए यहाँ पे मिली है। मैं इस समय 8:33 हो रहे हैं, मैं यहाँ पिकेट पे खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई पुलिस का आदमी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई पुलिस जवान नहीं है सरकार। और ये पता चल रहा है इस प्रकरण से कि यहाँ की पुलिस पूर्ण रूप से लापरवाह बेखबर है। जिस तरह से इन्होंने अपने दर्द को बयान किया है, मैं चाहूंगा कि ये खबर ज्यादा से ज्यादा लोग सुने और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय इस खबर को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करें, ताकि इस चौराहे पे इस तरह की कोई घटना न घटे, पहले भी सरकार, और इसके बाद ही इस तरह की किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। इसके पहले भी सरकार जो घटना हुआ था हमारे दुकान पर, एक दिन लॉकडाउन बाकी था, निर्भय सिंह दरोगा थे यहाँ, हमारा पिकअप हमारे घर में हला था दुकान में, और हमारा कितना रुपया नुकसान हुआ सरकार मैं जानता हूँ। आप चाचा रोइए मत, आपकी ये आवाज मैं माननीय एसपी महोदय तक, डीएम के पास तक पहुँचाऊंगा। यहाँ पे जिस पुलिस अधिकारी की ड्यूटी होगी, मैं ये मांग करूंगा कि उन्हें अविलंब निलंबित किया जाए और आगे से इस जगह का, इस चौराहे का ठीक ठाक से देखभाल हो, कि जो गाड़ियां जाए ठीक से जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, और किसी दुर्घटना का फिर पुनरावृत्ति न हो। जितना दिन का पहरा लगता है, सिपाही है जो जवान है यहाँ जो है बैठ करके मोबाइल देखते हैं सरकार, मैं पद आपका नहीं, आप मेरे की जरूरत नहीं है, और हम प्रयास करेंगे कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा मैं वायरल करके पहुंचाऊं और उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जय हिंद जय भारत। नए खबर को देखने के लिए आप बने रहिए डॉक टाइम न्यूज के साथ। डॉक टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ,
जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।